संविधान को साक्षी मानकर मंत्री अफसर बनते हुए बहुत से लोगों को देखा होगा, परंतु शनिवार को इंदौर बौद्ध समाज तत्वाधान में सामूहिक विवाह में वर वधु संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामने की शपथ ली। कार्यक्रम 11 बजे चल समारोह डॉक्टर अंबेडकर भवन से निकला, जो कि राठौर धर्मशाला अंतिम चौराहे पर विवाह समारोह में तब्दील हुआ। दोपहर 12 बजे शपथ विधि व अन्य कार्यक्रम हुए, जिसके बाद बालोतियों का सामूहिक सहभोग हुआ। तो आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें कृपया। आज बौद्ध समाज का 19वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारे द्वारा आयोजित किया गया है। बौद्ध समाज सामूहिक कल्याण समिति के माध्यम से विगत 19 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष हम लोग भारत के संविधान को साक्षी मानकर नव और वधुओं को दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण और अच्छे से जीने की शपथ दिलाएंगे। भारतीय संविधान को साक्षी मानकर, जिस प्रकार अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेकर लोग अपने मंगल जीवन की कामनाएं करते, उसी प्रकार आज यहाँ मौजूद है 11 जोड़े भारतीय संविधान को साक्षी मानकर भारतीय संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर एक दूसरे को वर वधु के रूप में स्वीकार करेंगे और देश के एक अच्छे नागरिक बनने का कर्तव्य निभाएंगे। क्या आप गुरु धर्म के लोग कहाँ कहाँ से आए? इंदौर सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, औरंगाबाद, मतलब काठमांडू, विभिन्न प्रदेशों के लोग आज सामूहिक विवाह समारोह में आयोजित होंगे। तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग एकत्रित होंगे और सभी पूरे समाज का सामूहिक सहभोज का हमारा कार्यक्रम होगा। राठौर धर्मशाला अंतिम विवाह जोड़े को समाज की तरफ से कुछ दिया जा रहा है? और सामूहिक विवाह समिति की तरफ से हम लोग 5 बर्तनों का सेट, अंडा, घड़ा और जो भी गृहस्थी का सामान होता है वो देते हैं। साथ ही इस भव्य चल समारोह की, मतलब हमारा सीधा सा मकसद ये होता है कि गरीब तबके की इस परिवार की जो बहनें होती है उनकी शादी हम एक अच्छे दर्जे से करें, यही हमारा संकल्प होता है। मुकुल वाघ, संयोजक संविधान बचाओ मोर्चे। परम पूजनीय आत्मज्ञानी पुरुष दादा भगवान परम पूजनीय आत्मज्ञानी डॉक्टर नीलू माँ और दीपक भाई से आशीर्वाद प्राप्त आपके पुत्र का आत्मा में विषय में सत्संग का कार्यक्रम श्री लाल नगर में केला देवी मंदिर पर 17 मई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक रखा गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए अंतिम हमले में शहीद संदीप यादव की पार्थिव देह गुरुवार देर रात भोपाल पहुंचा, जहां शहीदों को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद दूसरे दिन शुक्रवार को सेना की टुकड़ी संदीप यादव का पार्थिव देह लेकर सोनकच पहुंची, साथ ही सेना के साथ बैंड भी था। अंतिम यात्रा सोनकच के मुख्य मार्गों से होते हुए भनवासा की ओर निकली, जहां लोगों ने नम आंखों से शहीद संदीप यादव का पुष्प वर्षा कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोनकच से भरवासा के बीच शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा। वहीं संदीप यादव अमर रहे के नारे लगाते हुए लोग चल रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, संदीप यादव हमारे। पर
परम पूजनीय आत्मज्ञानी पुरुष दादा भगवान परम पूजनीय आत्मज्ञानी डॉक्टर नीलू माँ और दीपक भाई से आशीर्वाद प्राप्त आपके पुत्र का आत्मा में विषय में सत्संग का कार्यक्रम श्री लाल नगर में केला देवी मंदिर पर 17 मई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक रखा गया है।